हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप बारिश के दिनों में कैसे वाटरप्रूफ मेकअप कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ बैक का प्राइमर। और गाइस, फेस प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप मेकअप करते हैं तो प्राइमर को ज़रूर लगाइएगा। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है और वाटरप्रूफ भी बनता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर। और जहाँ भी मुझे हल्के फुल्के डार्क स्पॉट हैं मैं बस वहाँ पर लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़े बहुत हैं, तो मैं अपनी डार्क सर्कल एरिया पर भी इसे लगा लूँगी, यानी कि अंडर आइज़ पर भी लगा लूँगी। कंसीलर को जब आप पहले लगाते हैं तो उससे भी एक बहुत अच्छा ग्लो आता है फेस पर। तो मैं फाउंडेशन से पहले ही कंसीलर को लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए तो मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे डैब डैब कर ब्लेंड कर लूँगी। और सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। जहाँ भी मैंने हल्का फुल्का जो कंसीलर लगाया था बस वहीं पर मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी ताकि वो कंसीलर जो है अच्छे से सेट हो जाए। और ये है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आपके फेस पर काफ़ी देर तक टिका रहता है, वाटरप्रूफ भी है। जल्दी से आपके फेस पर अगर पसीना भी आता है तो ये बहता नहीं है, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस फाउंडेशन को भी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं लगा लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर और इस कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर और इसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और गाइज, ये आईलाइनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यू नो वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। और समर्स के लिए सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो इसी आईलाइनर को लगाती हूँ क्योंकि ये जल्दी से आपकी आंखों से बहता नहीं है और ना ही ये स्मच होता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये पिंक कलर का शेड अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक। और गाइस, ये लिपस्टिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छा कलर देती है आपकी आई शेडो पर ताकि जो मेरा मेकअप है वो वाटरप्रूफ रहे। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आई शेडो मैंने इसलिए लगाया था ताकि एक अच्छा सा कलर दिखे, नहीं तो यू नो फिल नहीं लगते हैं आपके आई शेडोज़ पर, कहीं कहीं गैप रह जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही पाउडर आई शेडो लगाया था, उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई है ताकि जो भी मेरी आईलिड पर गैप्स हों वो फिल हो जाए अच्छे से। और मैं अब इस लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश भी इस्तेमाल कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर। और मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ पर मैं फेसिस कनाडा का भी काजल दिखा रही हूँ, आप इस काजल को भी एज अ आईलाइनर भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर म्यूज़िक फ्लावर जेल आईलाइनर लगा रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। इससे काफ़ी ईजिली लग जाता है ब्रश की हेल्प से, अगर आप विंग बनाना चाहते हैं तो विंग आईलाइनर भी बहुत ईजिली बन जाता है। और फेसिस कनाडा का काजल भी बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, समर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ही ये आईलाइनर भी और काजल भी बहुत ही बेस्ट है गाइस, समर्स में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ प्रो कंसीलर और इसकी हेल्प से मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी अपने फेस को। ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, ऑरेंज कॉन्टोर है ये, और मतलब आप इसे कंटोरिंग भी कर सकते हैं, मैं इसी से करती हूँ तो बहुत अच्छी एक शेप आती है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। नेक्स्ट मैं इसी पैलेट से ये शिमर शेड ले रही हूँ, ये सिल्वर शेड है और इसे ही मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, अगर आप यहाँ पर चाहें तो हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, बट मुझे पसंद है तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कनाडा का काजल। गाइज, काजल और हाईलाइटर ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगा लूँगी यहाँ पर यही किस ब्यूटी की लिपस्टिक जो कि मैंने एज आई शेडो अप्लाई की थी, और हो सकता है लिप्स पर आपको इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज नज़र आए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा और ये मेबेलिन का मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये भी वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। मैंने ज़्यादातर जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, समर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी तो सॉरी, मैं एंड में लगा रही हूँ। आपकी आईलैशेस को बहुत अच्छी लेंथ देता है, इसके बाद आपको फेक लैशेज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर मैं मैक का मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ ताकि मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए।
और मेरा मेकअप और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बने। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।